आंशिक रूप से लॉकडाउन खोलने के बाद भव्य तरीके से रीवा के सबसे बड़े किचन का समापन कर दिया गया, जिसके जरिए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। इस किचन का संचालन विघ्नहर्ता सेवा संस्थान कर रहा था। लॉकडाउन शुरू होते ही रीवा में विघ्नहर्ता सेवा संस्थान ने शहर का सबसे बड़ा किचन संचालित किया, ताकि जरूरतमंदों को इस आपदा काल में भोजन मिल सके। एक माह से अनवरत रूप से संचालित किचन का भव्य तरीके से समापन किया गया। वैदिक रीति से पूर्णाहुति और शांति पाठ किया गया। समापन अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक और समाज सेवी उपस्थित रहे। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी ने बताया कि हमारा सामाजिक संकल्प था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लगातार बेबस, लाचार और जरूरतमंद लोगों को भूखे नहीं सोने दिया जाएगा। किचन में प्रतिदिन लगभग 400 लोगों का भोजन बनता था और समस्त 45 वार्डों एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी टीम जाकर जरूरतमंदों को गर्म व ताजा भोजन पहुंचाती थी। भोजन के पैकेट हम लोग तैयार कर रहे हैं लोगों में बांटने के लिए। हम लोगों का एक संकल्प है विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति का कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी ऐसा ना रहे जो भूखा रहे, है ना। इसलिए हम लोग लगभग जितने गवर्नमेंट ऑफिस के ग्रुप हैं हर ग्रुप में अपना पंपलेट सर्कुलेट करवा दिए हैं कि किसी को अगर भोजन की जरूरत है तो वो हमसे संपर्क करे, मैं उसके घर तक खाना पहुंचाने का काम करूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।